क्या लाइव होगा? आर वी लाइव ऑन द पेज ऑफ बंदू? ओके गाइस, वी आर हियर टू टॉक अबाउट अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट. और मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है, इन दोनों के लिए और भी स्पेशल है, क्योंकि इट्स देयर फर्स्ट कोलैबोरेशन टुगेदर. फील द वाइब, सो मच लव यू गिव. प्लीज थ्रो योर क्वेश्चंस एट दीज टू वेरी टैलेंटेड सिंगर्स म्यूजिशियंस, देन आई विल टॉक टू यू. बोलो गाने के बारे में बताओ. हाँ तो पहले तो गाइस, आई एम यश नालवेकर, दिस इज आकाशा. आकाशा को आप जानते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट लग रहा हूँ, शुड बी लेट उठाओ, बट थैंक यू फॉर गिविंग सो मच लव टू द सॉन्ग. और जिस तरीके के रिव्यूज आ रहे हैं, जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं नीचे यूट्यूब पेज पे, सब जगह पे, इट्स अमेजिंग. जो रेट पे स्ट्रीम्स बढ़े जा रहे हैं ऑडियो पे भी, वो भी अमेजिंग है. आई एम ग्लैड सब लोगों को साउंड अच्छा लग रहा है, सब लोग मेरे को बोल रहे हैं बहुत फ्रेश लग रहा है गाना, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. एंड ऑल थैंक्स टू दीज गाइस, वी सम हाउ मैनेज टू ओवर मॉडेस्ट हो जाता है. नहीं बोल बोल, थोड़ा भी अपनी तारीफ आ रही होती यश की तो इसको लगता कि नहीं 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 I don't deserve. He doesn't take any tarif, but as you guys know that it's the whole song. I was literally like a guest feature, say icing type. But icing खुद को ही बोला लिया ना, icing of the cake. But you guys have heard the song. This ये जो tone है इसकी, it's really weird. मैं अभी what mutual, my tone is very mutual, mutual admiration society starts now. It's very weird, but Yash's tone is at एक तरफ से fresh है. कि अरे सुनील, एक तरफ से बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है, 90s की के गानों का ऐसे याद आती है. तो इट्स अब यश एकदम कुछ बोलेगा आगे से, विच विल नेगेट एवरीथिंग आई हैव सेड. अभी मैं कुछ भी बोलूंगा तुम लोग क्योंकि देयर आर सम सॉन्ग्स दैट वी वर वर्किंग ऑन एंड यश ने मेरे लिए वो गाए. डेमोस थे, कुछ प्रेजेंटेशन कर रहा था मैं, और उसमें बहुत ही यू नो 90s के जमाने की ट्यून थी, और मैंने इसको गवाया. आई थॉट कि ये पता नहीं यार, ही विल मेक इट टू आरएनबी एंड ऑल, यू नो एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है व्हेन यू हियर अ सिंगर. हमेशा आई थिंक इट हैपेंस टू यू आल्सो, यू मस्ट हैव फेल्ट इट कि तीन गाने किसी के लिए गा दिए और रिलीज हो गए, देन एवरीवन थिंक्स कि दिस इज योर स्टाइल. दैट्स सो ट्रू. तो व्हेन ही सैंग दैट सॉन्ग आई वाज लाइक वाह, ये तो ये भी फुल, ये भी है, हे हे वाले जमाने का सिंगर भी गा सकता है. तो आई थिंक व्हाट आकाशा सेड इज रियली राइट, कि इसकी वॉइस में एक नॉस्टैल्जिया भी है. एंड फील द वाइब, वो पहला गाना है आफ्टर 7 or 8 years दैट आई हैव बिकम अ म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑन, अलोंग विद जीक साउंड, हुज एक्चुअल नेम इज जैद पटनी. इट्स नॉट कूल, सो ही केप्ट इट जीक साउंड, यू नो दैट्स द ओनली रीजन आई थिंक. हां, ही वाज सपोज्ड टू बी हियर, वो भाग गया पूना, वो बट आई थिंक वो एक जीनियस म्यूजिक प्रोड्यूसर है. ही वर्क्स विद मी एंड द वे ही हैज प्रोड्यूस्ड दिस सॉन्ग, आई थिंक इट्स रियली कमेंडेबल. कि कुछ नया है beats with that, even that thing, ooh, and that beautiful, something fresh. And I need to give credit to our whole team, our mixing engineer Eric Pillai, Eric Pillai hands down our music it. Supervisor Yash Anand Mama, and yeah, we call him Anand Mama kyunki like mama jaisi harkatein karte hain, buzurg hai, buzurg hai thode. Aur kya jata do do bar maa hoti hai na, mama wo Yash Anand hai. उसको पूछे बिना हम लोग गाना भी नहीं बना सकते, ऐसे 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 लिमिटेशन. रोलैंड भी गिटार और बेस पे ही स्किल है. रोलैंड फर्नांडिस, यू ऑल हैड ऑल लेजेंड्स ऑन दिस प्रोजेक्ट ना, यंग लेजेंड्स, यंग लेजेंड्स, यंग लेजेंड्स, यंग गाइस. पीपल हु आर पीपल लाइक दे आर इन द वर्किंग वाइब, दे आर लेजेंड्स, बट एज पीपल दे आर वेरी नाइस एंड चिल्ड आउट पीपल, सो यू कैन एक्चुअली लाइक यू नो वाइब विद देम. या इट डजंट मैटर लाइक व्हेदर सॉन्ग इज प्लग इन. अच्छा अच्छा दोस्तों, एक कोई सवाल आ रहे, कुछ आ रहे, मेरे को दे दो कैमरा. हाँ बताओ ना सवाल. सो फर्स्ट पैन द कैमरा टू दिस डेंजरस बीस्ट, किसी ने नहीं देखा, देखिए देखिए देखिए, यही है वो, इतना क्यूट बंदू. ओके सो गाइस, बिफोर द रीमिक्स हैड यू ऑल मेट ईच अदर? The remix. We all three of us knew each other since back in the day, like long from, back. From like they, I think your parents have a very messed up story. She can tell. It's not messed up. Basically, his dad, Dabu uncle, and my dad, who does not like to be called uncle, but say Arvinder ji. Uncle, Dabu ji and Arvinder ji. Dads and Arvinder ji. Our respected fathers kind of started their career together with this show where they were hosting. Life has come full circle. And now you're hosting.
It is an embarrassing. Oh, I have, we have to tell you. Haan, it is so funny. There are these two young dudes. My dad is doing this Indian thing, and Dabokul is doing this like yo. It's the show's called Hello, Yo Namaste. Namaste. Yo Namaste. Oh my god! And I remember, yeah, Amal and I, bachpan mein to hum milte the, fir ek baar bade hone ke baad jab mile to we discovered the show and we have laughed. So that's how Amal and I. One morning she said to her like, look at what our fathers what are fathers left for us. And I'm like, oh god! And they're like wearing oversized blazers. Oh yo god. Namaste. Yeah, just sab kar rahe. Yani, so our story it. Is like that. I don't know. And Narvekar, Yash. The great has a very, even he has a very weird story with me. ये और अरमान साथ में सिंगिंग क्लासेस जाते थे बड़े आज्ञाकारी बच्चे और ये रैक करता था कुर्ता पजामा पहन के 7 साल के बच्चे सीखने जा रहे हैं पैर में छूते थे हम लोगों के और मैं इधर कोने में खड़े रहे देख रहा हूँ हंस रहा हूँ कि क्या हो और हम लोग क्लासेस से निकले तो अमल आए हम पिकअप करने और हम लोग को फिर ऐसा टपली वपली मार दिया बोले क्या तुम लोग क्या आलाप लगाते रहते हो ये और अरमान में जाके ज्योति आंटी को कम्प्लेन करेंगे क्या फायदा हुआ कुछ नहीं हुआ फायदा बाद में मेरे साथ ही काम किया तूने तो बट दैट वाज क्रेजी कि यानी आई नेवर थॉट कि यू नो मैं और यश अपार्ट फ्रॉम वर्क या जो भी हो वी आर लाइक ब्रदर्स यू नो वी हर दिन एक बार तो हम लोग मिलते ही है या तो गाना डिस्कस करने या कुछ जैम करने या एटलीस्ट कि चलो यार मिल लेते इट्स लाइक अ डेली रूटीन इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट रेगुलर विजिटर्स ऑफ माई लाइफ एवरी डे एंड आई लव हिम ही इज अ वेरी टैलेंटेड वेरी गिफ्टेड सिंगर And this one here, था गए ये अलग अलग गाने गा सकते हैं किसी को पता नहीं है इसका अलग जोन भी है यानी ये आएंगे अलग सिंगल्स भी इनके तब आपको पता चले Yes, back That's to how we know each other. Yash Actually, हम लोग मिट्टी भाई, मिट्टी भाई. हम लोग मिट्टी भाई के कैंटीन में मिलते थे और ये मेरे को ऐसे एटीट्यूड. What nonsense? कभी एटीट्यूड नहीं होता. चश्मा और भाई. Like new students look, like new students look, because we both were in the music scene. Yeah, we were. We both were singing and all for college festivals and competition. But नहीं competition में नहीं बस कभी ऐसे मतलब. जानते थे एक दूसरे को बस. हाँ और हम लोग ऐसे ऐसे मैं हूँ भी नहीं कि मैं ऐसे जाके. मैं भी नहीं मिला. Hi, hello, how are you करूँगा. तो वो बट देन हाँ फिर हम लोग रिमिक्स से मिले तभी फिर उसके वो टाइम पे देन वी स्टार्ट गेटिंग अलोंग विद ईच अदर सो कंपटीशन से याद आया यू वर इन रोस्टर यस इफ यू हैड अमाल एज अ कंटेस्टेंट और यश एज अ कंटेस्टेंट डू यू थिंक अमाल इज अ जज नाउ अमाल रॉ वहां भी आके कंटेस्टेंट जैसे मैं भी ये आई से दिस आल्सो दैट ऑन लिटिल चैंप्स ना जो व्हाट आई एम जजिंग नाउ उधर जजेस के पैनल में से लिटिल चैंप मैं ही हूँ ना सबसे यंगेस्ट जज ठीक है कंटेस्टेंट वाली फीलिंग आई थी दो तीन दिन बाद जब पहले बार सब बुजुर्ग है बोले और फिर मैंने जो बोला है चाइनीज में बोला इससे ज्यादा ना बोलना सो यू आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स कैन यू टेल अस हाउ ऑफन यू विल मीट Very often. Me and Amal meet very often. Me and that guy though every day. What happens is that, you know, the people you continuously work with, because and my whole team comprises of, you know, Yash, Krish, Zain, we've grown up together. Obviously Akasa is busy on tours and stuff, so you know it's not easy to call her and like rock the studio. Kuch bhi jhoot bol rahe hai. I don't know how Yash even managed to get her on the single. Even I don't know. Remember that Thug Ranjha hit hone ke baad ye thodi aayi tere saath. Such nonsense. Aap logo ko pata hai ye sab bakwas hai. Main Instagram pe pura din rehti hu aur aapko pata hai ki main free. Hum sirf Instagram pe rehti hai. Gawayenge kaise udhar mai. नहीं मतलब क्या है नहीं बट अभी हम लोग सब बैठ के आई थिंक आफ्टर यू नो दिस सॉन्ग सो मच लव द टीम हैज गॉट आई थिंक वी विल वर्क ऑन समथिंग हैंग आउट और हैंग आउट इन द सेंस हम लोग का बिकॉज़ वी हैंग आउट टुगेदर एंड बिकॉज़ वी आर म्यूजिशियंस तो वो हैंग आउट कम काम कम वो सब कुछ मिक्स है ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ के सिर्फ यू नो वी आर चिलिंग इवन व्हेन वी आर चिलिंग टुगेदर किसी के हाथ में गिटार है कोई कीबोर्ड बजा रहा है कोई बीट बना रहा है अंदर बैठ के सो यू नो इट्स वो लाइक अ स्टूडियो एनवायरमेंट बट इफ वी हैड अ स्टूडियो इन अ कॉलेज यू नो दैट काइंड ऑफ एक एक्सप्लेन टू मी लाइक आई एम फाइव वाला क्वेश्चन आया कि कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड अ म्यूजिक कंपोजर इफ आई हैव टू एक्सप्लेन द फाइव ईयर एक्सप्लेन इट सी म्यूजिक कंपोजिंग इज इन अ सॉन्ग व्हेन यू हियर दिस मेलोडी ये म्यूजिक कंपोजिंग होता है और जो पीछे बीट्स चल रहे इज म्यूजिक प्रोडक्शन सो म्यूजिक प्रोडक्शन इज द स्प्रिंकलिंग ऑफ
you know, Parmesan cheese on the pasta. That's, basically, that's yeah, the track. And yeah. like the, yeah. The track. The support. It's, support. It's the world that one person gives to someone else's thought. Ki maine ye dhun sochi. Jaise Feel the Vibe mein Yash ne tune sochi. Puri. Usko beats maine aur Zaid ne provide kiya. To wo beats jo provide karte hain, jo ek environment banate hain, wo music producer. और वो बहुत क्रूशियल भी होता है yes. क्योंकि अगर मैं गाना कुछ अलग जोन का बनाया है एंड इफ समबडी कम्स एंड अरेंजेस इट कम्प्लीटली डिफरेंटली तो अच्छा गाना भी बुरा हो सकता है और कभी कभी प्रोडक्शन गाने को बचा भी लेता है यू नो जब भी जहाँ पे गाना स्टार्ट यू नो यू विल स्टार्ट लाइकिंग द सॉन्ग बिकॉज द प्रोडक्शन इज सो यूनिक और समथिंग लाइक दैट ऑफ कोर्स यू हैव आल्सो कंपोज्ड फॉर दिस वेब सीरीज या ब्रोकन ब्रोकन एंड आई थिंक वी रियलाइज जस्ट हाउ मेनी फैंस यू हैड एट दैट टाइम लाइक यू नो द क्रैश्ड अप पेज इन दैट टाइम Okay. So yeah. I was so sure about that song. You know, when he did that song and he played it to me, I was like, bro, this age pe aise composition banana is like commendable. And yeah, but that's all him. Like because I've seen him. So I think during Suraj Dubai, say I've been seeing you compose. Uske pehle bhi, I still remember me and him used to go for any parties or anything like that. And after every the party's done and only the birthday boy and you know all those people are there. Then you know we both used to be those guys. अरे कुछ सुनाओ वाला vibe. You know so even when he was 16, I was 14 and then उधर भी वो भाटिया भाटिया के party पे ये उसके original सुना रहा है और मैं तभी मेरे को composing या ये सब क्या होता है like मैं बचपन से मेरे दिमाग में drill था कि मेरे को गाना गाना है that's it. और तो मेरे को समझता नहीं था that this guy has opened a new world. You know he at 16 he was writing about love, heartbreak and all that. So I was like, how the hell can you know someone think like that when we are not even? वो गुजरना पड़ता है life. हाँ पर 16 साल पे कैसा गुजरता है? 16 पे हो गया इसलिए भी देखने कितना खुश हो. चलो. You know so he started that whole thing for me. He opened that door for me. Then used to what used to happen was I the whole vibe how I started assisting him was that I used to go for his recordings. तो अरिजीत डब कर रहा है या कोई गिटारिस्ट डब कर रहा है या कोई बेस प्लेयर डब कर रहा है तो आई टू गो टू हैंग बट ऑल्सो बिकॉज यू नो आई एम गेटिंग टू सी व्हाट्स हैपनिंग कैसे हो रहा है एंड धीरे धीरे करके आई स्टार्ट डेवलपिंग दैट बट यू नो आई थिंक लॉटे नहीं एज अ सॉन्ग इज वेरी मैच्योर एंड लाइक फील द वाइब इज अ वेरी सिंगर सॉन्ग राइटर पॉप स्पेस यू नो तो वो The ability to do a song that has a ghazal meets kabira, you know, that kind of approach, and suddenly move and on for to that a also, like vibe. I think Papon, you are very versatile. Papon, da, we have to thank him. He's killed it. No, but he killed it. After he came on the track, he just took it to another level. एक चीज मैं बोलूँगा गलत केस ना कि इतना low हो गया गाना कि no one for Papon, even for him, यानी वो वाला GAQ 8 सेमीटोन नीचे खींचा था तो आई वाज लाइक ओके फाइन करते हैं तो अभी नाउ मैंने एक वर्जन रखा है जो मैं परफॉर्म करता हूँ जो ओरिजिनल की मैं और ओरिजिनल वाला है सब 4 सेमीटोन नीचे बट ही किल दैट शो ऑफ कर रहा अभी दैट ही कैन से हायर देन परफॉर्म I'm seeing that I can't sing as low as him. That's what I'm trying to say. Because that baritone is his USP, yeah, man. Completely. So, a lot of composers, you know, usually take a long time with a song. They have more than one song in what they call their catalog. How long has Feel the Vibe been with you? 2018, October. It one afternoon, me and Zaid were in this thing and in the studio, and he played this groove to me. उसके ऊपर बना फिर सीधा हम लोग वहां से यहाँ पे आए अमल के स्टूडियो पे उसको प्ले किया कि ब्रो ये कुछ है कुछ हाँ है ये सीधा देन वी स्टार्टेड मेकिंग द ट्रैक और फिर उसके बाद में ऑब्वियसली क्योंकि व्हेन यू आर गेटिंग इन समथिंग न्यू द साउंड फॉर मी आई फील पर्सनली आई थिंक आई लाइक वी ऑल हैव ट्राइड टू गेट अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ साउंड व्हिच इज नॉट बीइंग यूज्ड अभी जो ग्रूव पैटर्न है फ्रॉम टिल द सेंस टू द बेस लाइन टू एवरीथिंग नाउ इफ वी वांटेड और वी डोंट वांटेड क्या आ जाता है इन द फिल्म स्पेस और व्हेरेवर लाइक दैट वन रिदम इज एवरी अदर द रेगेटॉन मुंबई व्हिच इज वर्ल्ड वाइड आफ्टर डेस्पासितो दैट्स द रिदम सो कहीं ना कहीं आई थिंक वी वांटेड टू यू नो रन अवे फ्रॉम दैट आल्सो स्टिल कीप इट कैची एंड आई थिंक दैट्स व्हाट से और फिर 2018 अक्टूबर से अभी तक टाइम लगा क्योंकि Till December, I was getting everybody else to also be on the same page. Hey, yeah, there is something here. So luckily, label bhi samajh gaya. Viral. Vineet sir, he heard the track. He understood it. Devraj understood it. Sajid understood it. All them understood it. And you know, uske wajah se itna time laga. But I, to achcha hua 2019 opening hua. Yeah.
बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि यू ऑल सिंग द सॉन्ग टुगेदर. चलो 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 हो जाओ. नीचे तन्मय को देखो, फोल्डेड हैंड्स के साथ खड़ा है. तन्मय के लिए भी मैसेज आ रहे हैं वैसे. तन्मय सेलिब्रिटी है ब्रो, अकेला लाइव करता है दो लोग के साथ, जिसमें एक वो खुद होता है और दूसरा वो होता है जो उसको लिख रहे कि भाई क्यों जा रहा है लाइव. What's up? First of all, to all the Himalayans who I'm sure are sending me messages to sing different songs. But all songs he'll sing. But नहीं चुप कर. आज आज नहीं हो सकता वो. आज थोड़ा एक दो लाइन गा देंगे क्योंकि आज feel the vibe की बात करनी है. ये गाना जरूरी है. जान बुझ के ना ऐसे डायरेक्टर वगैरह के सामने This looks very good. I was like, oh, do you want me to wear it? So, ye, this is, I don't know actually, maybe Jasmine Sanders. I think usko Jasmine does that. I think I had seen, I don't know, this must be online, Instagram or something, but I've been doing this for a while. I think Rupa. He started it obviously, yeah, but maine nahi dekha unhe pehnte hue. Yes, oh, I'll tell you where this came from. Where? There's a meme, a women can. Meme. Where she's wearing denim and she's wearing a red bandana and she does this. Bahar se aaya hai. Alright. Wo maine kisi, I was sharing it for something anyway. Yeah. So, गाने के क्रिएशन के बारे में तो काफी बात करी, वीडियो के बारे में बात करते हैं. हाँ जी. कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट द कोरियोग्राफर एंड द डायरेक्टर? सो द डायरेक्टर आरिफ खान, ही इज समवन हु आई थिंक फर्स्ट वेट आई वांट यू गाइस, अगर जिसने वीडियो नहीं देखी आई वांट यू गाइस टू गो एंड सी. एंड एक शॉट है साइकिल चलाते हुए. आई वांट यू टू गेस कि वो कौन है. हाँ. फिर मैं बताऊंगी कि वो कौन है. हाँ, तो मेरे को पहले तो आई वांट टू थैंक आरिफ बिकॉज द वे ही शॉट द वीडियो एंड द नो वी हैड अ लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स आल्सो बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट सिंगल. सो यू नो द लेबल आल्सो इज नॉट गोना गो ऑल आउट एंड यू नो गेट यॉट्स एंड ऑल ऑन द इन द वीडियो. ए बट दे गॉट नो, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. व्हाटएवर वाओ, बट आई एम सेइंग व्हाटएवर. हार्डली था उसमें पीछे. अच्छा, तुम लोग पीछे देखो एक जिसमें यश ऐसे फुल कूल बन रहा है. ये हमेशा की स्टोरी है, लेबल और आर्टिस्ट के एक एक ब्रिज करने वाली गैप. बट दैट्स ओके. मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने फिर भी बहुत अच्छा, मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. जो भी कम अक्रॉस नहीं आना, लाइक कल वायरल ओरिजिनल से वीडियो देखा, लड़ाई होगी. नहीं नहीं, वो बात ही है. मैं बोल रहा हूँ कि वेरी लाइक वी इन वॉट एवर रिसोर्सेज वी हैड, द लेबल यूनिवर्सल EMI वायरल ओरिजिनल एंड आरिफ खान and his brain, they've made the video look so slick and so nice, yeah, and so premium. And the main thing was that it's the first time I have done anything on like screen like that. Okay, so I was nervous, and if you meet me on a daily basis, you'll realize that I'm not someone who really is, you know, making his hair or caring about himself. So they were all really worried about kaise hoga, how is he going to do it, how is he, will he be able to act, will he overdo it, how will his hair look, how will his jacket look, how will his stomach look, and all that stuff. But Arif and Shiraz, the stylist, and did some smart they stuff. Did some really smart stuff, and they did a brilliant job. And I think they just made the video and look. She wanted really to good. Dance. She wanted to dance. ये तो पहले आगे थी बोल के choreography करे. नहीं, इसने बाद में कर. Almost whatever hair is left was gone. Gone. He was like नाच नाच. ना पड़ेगा. नहीं, he was like choreography नहीं होगी video. तो remix से भी यही होता था. Remix वाले ना उन लोग बुलाते थे और फिर उन लोग ना उन लोग choreograph करते थे पूरा. और हम लोग को बोल रहे कि judges को भी खुश करो plus dance भी करो वो सब. और तुम्हें को समय और गाओ भी सुर में भी रहो and all that, you know. हाँ, तो मैंने उनको भी बोला था कि भाई मेरे को कोरियोग्राफ मत करो, मेरे को फ्लो में लेट मी जस्ट सिंग द सॉन्ग द वे आई सिंग. एंड दिस इज एक्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग इन द वीडियो आल्सो. इफ यू एवर सी मी लाइव, दिस इज एक्जैक्टली हाउ आई सिंग. ओनली डिफरेंस इज अ माइक इन माय हैंड, दैट्स इट. ऐसे झुक झुक के बोल ऐसा फील कर. आल्सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आर्टिस्ट फ्रॉम टू मेजर म्यूजिक लेबल्स आर कमिंग टुगेदर.
What took so long? What took so long? I don't know. We I feel like अभी हम इंडस्ट्री में आए तो हमने इस सवाल का जवाब हमें देगा तन्मय. तन्मय देखो शकल को बता. अच्छा वो बोल चाहता है कि मैं ही बोलूं उसको. इन लो सब कंट्रोवर्शियल चीजें मेरे से ही बोल रहे हैं. I think the right song is what's important. You know, sometimes what happens is that first of all the artist and the label only need to be on the same page. For them to come on the same page takes a while. You know, for them to understand ki what she is all about, what he's all about, and both labels together coming also will take a lot of time because both are known for really different music. You know, Universal Music is known for a lot of 90s and 80s, you know, music, and then they started getting into the pop single space, whereas Sony has always been like, if Bollywood is here, Sony has been the parallel line always. So for them, Universal's been film and this, you know. So now when they have completely kept one whole section of viral originals with Mohit Suri, Sajid Makla and all these people, so what happens is they also move on to, you know, listening to different artists, and I'm sure they heard, you know, that this is what this label is doing, and if we come up together and do something which, you know, bridges both the worlds with two different artists, so then I think it will be really cool. But and it was I'm actually glad that two labels are done. Yeah, and it didn't take it didn't take time actually from the time that Yash approached who it was my manager Tanmay, who actually Yash and him used to apparently, I don't know, chill. And Yash ne ek bar aise idea diya ki ye gana hai to hoga kya, and it was pretty quick. Aisa koi timeline nahi laga. Both labels were pretty like, yeah, haan, it was cool, haan, theek hai, kar lo, kar lo, artists saath mein acche lag rahe hain to kya problem hai aise. हाँ, लकीली ये टाइम बहुत अच्छा, बहुत कन्वीनियंटली हो गया. काफी एवरीवन वाज नहीं पहने थे ना इसने. मैंने नहीं पहने थे, मेरे नीवे प्रॉब्लम है. But it's good, I think, for labels to come together. It will be a very new thing for our music industry. Yeah, I hope a lot of people do that now. Yeah, because half of the time, kya jata, feature also is something which has just started coming to the forefront. Because people don't understand what featuring artist also means. वो बहुत मुश्किल से होता है कि featuring artist usually happens ki someone's produced the track and he features someone on. Yeah, which is what this is. You've made the track, we've helped you produce it, and it features Akasa in it. तो वो featuring लाने में और समझाने में इतना time लग गया था कि now people are seeing how the best credits people, and I think that way of combining a song with two labels is really और नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, हम भी करते हैं. No, and they really trusted us also with that. You know, कभी भी दो बार question नहीं किया ना Akasa ने ना वो लोग ने कि you know कैसा होगा क्या होगा ये वो. They somehow just they trusted me, I don't know why, but they did, and luckily it's a good decision that they did. और जैसा today it happened, like one song made, that was a pop song, very big pop song last year, made it into film. Someone's dancing there, you want to turn the camera with some step? Tumhare label pe nahi aaya, tum khush kyun ho? Oh! Haan, go on. So, do you see, feel the vibe in a Bollywood movie, and if yes, then what kind of Bollywood movie do you see? See man, that's very situational, right? But our song is not. So if there's any kind of a promotional vibe for any movie, can it can happen, you know, but then they'll have to match up to the video we made. Yeah, but that will happen only if, you know, they seem fit. What happens is doing a song, I know the song that is released today also, but it's been really popular, like really popular. It's a very big song, and what happens is that we've seen that even happen with Bombay. You know, it came out as an individual single and it hit top charts, became a successful song. And then it came into a film, and I think the film took it to the next level. You can't say help, it added to what already the success was. So first our song has to, you know, it's just been 4-5 days. So you know, gaane ko apni jagah banane mein, to reach people's heart, it'll take time. And I don't think we worked on the song thinking ki we'll work it and make it a hit so that people take it in films. You know, the intention was jo public that is hungry for good new content, they get a good song. That's all. Priyanshi has said Amal is always late. Ha ha ha. Yeah, ha ha ha. Sorry. So, actually, इस ये party में तीनों late लगते हैं. तीनों तीनों. नहीं, but इस बार बंदूक late था, हम लोग तैयार. Exactly. बंदूक trigger pull कर जो है, बंदूक से गोली नहीं निकली. और बहुतों की request है कि आप hook step करेगा नहीं. मैं. तीनों अभी
ऐसे कुछ गाने में हुक स्टेप नहीं है, अच्छा, एक फुट स्टेप जाते, है जाते, जो जाते वक्त करेंगे पक्की बात। हाँ, पक्की बात मैं इंस्टॉल करूंगा करेंगे। और कुछ सॉरी I don't know what this is supposed to mean, but funny is special. Funny is special. हाँ पढ़ो पढ़ो मजा आएगा इस सबसे। पाबलिया। पाबलिया। ऊपर देखो। पाबलो इसको। ऊपर देखिए गुरुजी। इसको बार बार। अजी। One of the fans said that they find Yash really cute. Oh! Finally, भगवान ने मेरी सुन ली। चुप कर। I have been saying अभी Tinder happened पे नहीं लाना पड़ा ज़िंदगी। अरे वो काम भी नहीं आता कभी मेरे Tinder Tinder। So lyrics Tinder भी लिखते हैं। नहीं यार WhatsApp से। Mahi says, Hi Amal, keep smiling. That's what even my co judges tell me कि तू angry judge हो गया smile कर। Please smile Amal. Akasa, they want to know whether any Rockstar reunion is happening. Soon, hopefully. जीवन में मतलब लोग खाना खाने जाओगे? नहीं यार हम मिलते हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे पे फिर गाने वाने गाते हैं पचास। I really want to ask के अमाल थोड़ा गा दो। अमाल कौन सा गाएगा? मैं थोड़ा। नहीं नहीं आप ना थोड़ा गा दो। कौन सा गाना? But any specific song? मैं रूम। थैंक यू। मैंने तो नहीं बोल सकता। मैं सब यहाँ गा दो। ज़्यादा प्रीच नहीं हो जाएगा। वो दोनों ही गाता तो अच्छा लगता। बाकी रिक्वेस्ट मेरे लाइफ ये इनका लाइव सेशन है, मैं गेस्ट ऑफ इयर्स। हम इनके घर पे गेस्ट। फेवरेट सॉन्ग? हम इनके घर पे। आई एम हैप्पी। चलो दिस इज वन थिंग आई रियली वर्क्ड हार्ड एंड ट्राइड यू नो इस गाने के लिए। आई हैव टू से दैट एज यू सेड ना कि समथिंग न्यू, देयर वाज सो मेनी पीपल हु डिडंट बिलीव इन मेरो गाना। व्हाट आर यू सेइंग? यश वाज विद मी व्हेन आई टोल्ड हिम कि इसको सुना रिजेक्ट हो गया, उसको सुना रिजेक्ट हो गया। तो वो एक चीज होती है यू नो कि today with the you know the advancement of production and beats and all that, even though you know all of that adds to make a song very but big, sometimes you just need to sometimes need to yeah, delete but things. Why didn't people believe in it? Because it was such ask a simple people now they must be now bro it's a good honestly song. You should see the response when he drops this song on a live stage show. It's an experience because he does this whole piano acapella set, okay? And in the last, like the band will join in and then he suddenly starts singing this song. And you should just see how the cameras and the flashlights are all come out and everybody's get tripping, like, you know, nostalgic vibes. See, this belief you have to keep as an artist. You know, I went ahead with this song. This and Bol Do Na Zar. Yeah, maybe. But we'll get goosies on the life. But Mero Yanarao especially na, becomes that song which now, plus 20 years from now, there will be people who will listen to it and say ki this young guy did something really melodious, lyrically, it had, you know, today's yes. poetry plus that nostalgia. You know, a lot of people also fought with me saying, ki, arre yaar, ye thodi chalega. Ye 60s type gaana hai. So, this I want to say because if a song like this, which is so honest, so many people didn't believe. I know how hard it must have been for you all to put your music out, make people understand. So, more than anything, ki aise gaane jab aap se bante hai, even if you don't manage to, you know, convince people about it, just put it out. Today you have YouTube, today you have Instagram Live, you have so many posts, put it out. जैसा ही लास्ट में तेरा आया, इट वॉज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। सो देयर आर पीपल, सो एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव यू नो, देयर आर पीपल हु विल वाइब टू ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक। So this saying that this will work, this won't work, actually for me essentially doesn't make sense. It's just about you have to find yeah, the right people for the right song. Exactly. And if they meet, the song will survive somehow, some or the other way.
every song does not need to become like a legendary song, but it can find its audience. You just need to be smart. Yeah, you're saying it really smart. But I don't know how to do it. I'll help you. So I sounded wrong, but okay. I'll help you. It didn't sound wrong until you said it sounded wrong. No, we know. Yes, next Amal. Amal Malik underscore FP says, we want more originals. Please. Ah. अभी ऐसा तो नहीं कि इधर बगल में छुपाया है कि मैं दे रहा नहीं हूँ वो आएगा यू नो इस ये थक गया मैं आंसर करते करते क्या हो जाता मैं जब इसकी बात करता हूँ पूरा इंटरव्यू इसके बारे में हो जाता है एंड मेरे को फिलहाल बंदूक को कोई हेडलाइन नहीं देनी अवार्ड रिमिक्सेस बहुत लिखा उन्होंने मेरे बारे में सिंपल चीज ये है जो चल रहा है उसको सलाम है पर मेरे को ओरिजिनल्स में आराम है यू नो तो मैं करूंगा मैं अपने हिसाब से करूंगा I'm trying my best. You know, it's all about one song from me or anyone. When some artist will come up and put one original song, I think Ankit Tiwari came at a time, did Sundarana to Galia showed that this is new age, original, beautiful music. So it is all about that one chance on that opportunity, you know, because I'm a film composer, the films ke through hoti hai wo cheeze. But abhi seeing, you know, so much love and response to a non-film song, I think I'm also going to take the plunge and maybe work on some originals and put out some music videos also. Aur fans ke taraf se ek final question hai, ke they obviously, I don't know whether they know your ages or whatever, they want to know, can anyone start composing after the age of 24? I don't know if it's 24, but... Yeah. I'll tell you what, I used to compose when I was maybe 15. Abhi recently I had gone on a trip where I had literally gone saying ki are pata nahi main kya karke ja rahi hu mujhe to kuch bhi nahi karna aata compose main to gana gaati hu I think I came back with some 20 odd songs that I wrote so koi bhi umar tum 50 saal ke baad bhi compose kar sakte ho music ki kaun si umar hoti hai yaar kuch nahi hota hai sir I think aur maine to dekha I started at 16 there were kids at 11 and 12 who were making music. Melodies and writing you know small music sections and it was beautiful I think seeing people young only start this year inspired me and 16-17 I made my first song and you know till then even my dad was not sure ki he just thought that I'm a music producer who knows his you know his beats his production skill but he never thought ki composer hai so I think till you don't try you'll not know so you should keep trying and I think har singer mein composer to chupa hai you know hum log कहीं ना कहीं नोट्स हमारे गाने के नोट्स बदल बदल के उन लोग गाते यू नो सो दैट शोज दैट दे हैव द कैपेसिटी टू यू नो चेंज अ कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू यू नो व्हाट दे फील सो जस्ट दैट सम पीपल आर लेजी और हर आदमी में एक हिट का एक हिट होता है एटलीस्ट एक हिट तो होता ही है हर आर्टिस्ट में ना हाँ वो 10 खराब गाने में पर एक हिट तो हर आदमी के पास होता ही है वो कब आए वो नसीब है अच्छा होपफुल थिंग एक हिट तो हो जाए ना ब्रो अभी रोज कुछ बना रहे हैं कभी तो ढंगा बन जाएगा ना यार या बट This is a very big thing to remember that what Mahesh Bhatt sir told me that you have to, if you want to be a musician, I mean, you're asking 24 year, kuch bhi, the day you start, the day you put your hand on an instrument or you start feeling an instrument, understand the notes, every day, like how people go for a job or how even a person comes to clean our house, you know, every day, it's a laborious thing. Har din koi aapke liye aake kaam karta hai, waise you have to work for yourself, make a song every day. Even if it's bad, वो हर दिन करने से he told me कि जंग नहीं लगे यार दिमाग में. Keep working, maybe after 10 bad songs you'll have one good song. Yeah. And Mohini Gautam also. No, I just wanted to end it. Lucky. What do you say, Brian? So that Ranveer Singh so gets one happy. One of the fans, Mohini Gautam, says a flying kiss to all of you. Thank you, Frank. Thank you to you too. Thank you. And lastly, they are going to reveal who the man on the burning cycle is. Yeah. Or woman. But you didn't guess it? Nobody guessed it? It was me. नहीं यार आपकी हाइट इतने लंबे पैर उस पे इतने लंबी टांगे पे पहुंचते ही टांगे इसकी ये अमिताभ बच्चन है हम लोग अभी जो कि अमिताभ बचपन होगा अमिताभ के बचपन This is the guy behind the हाँ bro देखो मेरे सारे बाल उड़ गए पैर पे से वैक्सिंग करा है नहीं बाल उड़ गए इसके मजाक कर स्किन कैसे नहीं उड़ा पता नहीं शायद बहुत मजा आया मुझे वो मैं बचपन में करता था ये सब तो इस बार सोचा कि साइकिल पे आग चला के ये जब तो नहीं नहीं हुआ ना ये तब तो मैं चौकी में कर रहा बचकाने समझ में आया क्या उसका भी लगे हो गया इधर चलो बाय 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 एनीथिंग एल्स आई हैव टू से लॉट्स ऑफ लव टू माय फैंस ऑल द फैंस ऑफ यश
And Akasa, keep spreading the love, keep sharing the please song. Watch the video. Whoever's not seen the video, please watch the video. It's really cool. Whoever's not heard the audio, please hear the audio. It's hear really the cool. audio, share it everywhere. Make TikToks on it, do whatever you want. Yeah, and send it to us. And we'll upload everything on our Viral Originals page, my page, her page, his page. All your TikToks and everything are going to be uploaded. So bring it in. More importantly, we also have to thank a lot of people from the music industry who came forward and shared this. Yeah, song. Yes. Definitely. Because very rarely it happens that, you know, a new talent ko itne log ne support karke promote kiya. So thank you to all of y'all for loving the song and sharing it so much. Now let's just feel the vibe. Bye. Bye. Bandook.